Hello friends, so now we are moving to the next topic which is error of measurement या error in measurement. ठीक, error क्या होते हैं? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं. साइंस में जनरली होता ही है, तो फिजिक्स में भी होता है. तो उसमें क्या होता है, एरर्स आ जाते हैं. कई बार क्या होता है, जो हमारी एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू होती है, जो हमने निकाली होती है कैलकुलेटेड वैल्यू, वो ट्रू वैल्यू से मैच नहीं करती, उनमें कुछ डिफरेंस होता है. सो द डेविएशन फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे मेजरमेंट के अंदर. तो आप क्या कह सकते हो कि एरर इन अ क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन अ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू. अब एरर कितने तरह के होते हैं? टाइप्स ऑफ एरर को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया. फर्स्ट वन इज सिस्टमैटिक एरर, सेकेंड इज रैंडम एरर, एंड थर्ड वन इज ग्रॉस एरर्स. फर्स्ट क्या होते हैं आपके, सिस्टमैटिक एरर. द कॉज ऑफ सिस्टमैटिक एरर आर नोन, therefore such errors can be minimized. अच्छा, जो सिस्टमैटिक एरर होते हैं उनका कारण हमें पता होता है कि ये एरर हमसे क्यों हुआ है. तो क्योंकि कारण कॉज नोन होता है, तो हम इन्हें ईजिली क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं. अब सोर्स क्या होते हैं, ये सिस्टमैटिक एरर आते क्यों हैं. फर्स्ट वन है आपका इंस्ट्रूमेंटल एरर. दिस टाइप ऑफ एरर अराइज बिकॉज ऑफ द एरर ड्यू टू इनपरफेक्ट डिजाइनिंग और मैनुफैक्चर और कैलिब्रेशन ऑफ द मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट. फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी मीटर स्केल इज वॉर्न ऑफ एट द एंड. इन वर्नियर कैलिपर, जीरो मार्क्स ऑफ द वर्नियर स्केल में नॉट कंसाइड विद द जीरो मार्क ऑफ द मेन स्केल. इस तरह की जब गलतियाँ होती हैं, है ना, जिसमें आपका इंस्ट्रूमेंट जैसे कोई फटा हुआ है, किसी की जीरो मेन स्केल की वर्नियर स्केल या राउंड स्केल से, सर्कुलर स्केल से नहीं कंसाइड कर रही, तो उस केस में जो एरर आपके पास आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है. और इस तरह के एरर को कैसे हम दूर कर सकते हैं, जस्ट बाय यूजिंग द मोर एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट एंड अप्लाइंग द जीरो करेक्शन व्हेन रिक्वायर्ड. कि कैलकुलेशन में चेंज कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, और क्या कर सकते हैं कि आप एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट लें कि जिसमें जो एरर है वो ना हो. थर्ड, सेकेंड आपका है इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसेस. आपकी जो सी इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक ठीक नहीं हो सकती. फॉर एग्जाम्पल, टेम्परेचर मेजर बाय प्लेसिंग द थर्मामीटर अंडर आर्म पिट ऑलवेज गिव्स टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ योर एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर. एक्चुअली बायंसी एरर इन वेइंग इज यूजली इग्नोर. अच्छा ठीक है, तो आपका क्या होता है, कई बार आपकी मेजरमेंट टेक्निक्स में भी प्रॉब्लम होती हैं. जैसे अगर आप लोग यहाँ पता लग ही गया होगा, अगर आप आर्म पिट में रख के अपने थर्मामीटर को टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो यूजली क्या आता है, लोअर आता है देन योर बॉडी टेम्परेचर. कि जो एक्चुअल में आपका बॉडी टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है. तो इसीलिए ये करेक्ट मेथड नहीं है आपका मेजर करने, बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए. तो इसी तरह के जो उनसे मेथड है, उसी तरह अगर हम देखें तो हम वेइंग अगर कर रहे होते हैं तो उसमें हम बोयंसी फैक्टर हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से जो कैलकुलेशन है उसमें डिफरेंस आ जाता है. तो इस तरह के जिनसे छोटे मोटे आपके टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, वो इनपरफेक्शन है टेक्निक्स के अंदर, उसे अगर हम दूर करें तो इस एरर को दूर किया जा सकता है. थर्ड वन इज़ पर्सनल एरर. कई बार अटेंटिवनेस नहीं होती ऑब्जर्वर की, कुछ और लिखना था, कुछ और लिखा गया, या ठीक से रीडिंग नहीं ली गई, तो वो पर्सनल एरर में आता है. फिर एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से एरर अराइज होता है. जैसे कि आप जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो ड्यूरिंग दैट यू वांट टू कीप द टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी और प्रेशर वट एवर इट इज फिक्स्ड, बट ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन उनमें चेंज आ जाता है, जिस वजह से आपकी जो वैल्यू है, आपकी फाइनल वैल्यू है, उस पर इफेक्ट पड़ जाता है. तो ये आपके एक्सटर्नल कॉजेज की वजह से थे. और जो फोर्थ है वो होता है लीस्ट काउंट एरर. दिस लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की अगर आपको कोई पूछे कि लीस्ट काउंट क्या है, तो लीस्ट काउंट का मतलब होता है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर. कि सबसे छोटी वैल्यू जो ये इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीस्ट काउंट बोलेंगे. ठीक, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब मीटर स्केल है जिसका लीस्ट काउंट कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर कैलिपर का क्या होता है, 0.01. और स्क्रू गोज का क्या होता है, लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर. अच्छा, ये चीज़ लीस्ट काउंट हमें ये भी बताता है कि हर जो इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है, वो इससे नीचे, इससे छोटी क्वांटिटी वो मेजर नहीं कर सकता. अगर आप मीटर स्केल यूज़ करो और सोचो कि मैं तो 0.01 सेंटीमीटर तक की जो क्वांटिटी है वो इससे मेजर करूँगी, विल इट बी पॉसिबल? नो. तो आप वो कहाँ तक आपको प्रिसीजन देगा, 0.1 तक ही आपको वो प्रिसीजन देगा. उससे नीचे के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ेगा. इस केस में भी आपका क्या हो सकता है, एरर हो सकता है अगर प्रिसीजन नहीं प्रॉपर. सो ऑल द वैल्यू मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट
is good up to least count only. So least count error is associated with the resolution of the instrument. Systematic error can be minimized by improving experimental techniques, selecting better equipments and removing personal error as far as possible. तो सिस्टमैटिक एरर को हम किस तरह रिमूव कर सकते हैं, क्यों होते हैं, इस पर हमने डिस्कशन की. नेक्स्ट जो हमारे पास आते हैं कैटेगरी, वो क्या है, रैंडम एरर की, जिन्हें चांस एरर भी कहा जाता है. सो रैंडम एरर आर दोज एरर विच अकर इररेगुलरली ड्यू टू अनप्रडिक्टेबल वेरिएशन इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, सच एज अनप्रडिक्टेबल वेरिएशन इन टेम्परेचर, प्रेशर, वोल्टेज सप्लाई. ठीक, अगर ये चीज़ें मतलब कई बार क्या होता है, अनप्रडिक्टेबली कोई चीज़ चेंज होगी आपकी, जिस वजह से जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो अफेक्ट करेगा, चेंज हो जाएगा. जैसे टेम्परेचर चेंज हुआ, प्रेशर या वोल्टेज सप्लाई, तो उस वजह से आपका क्या है, एरर आ सकता है. तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वी टेक लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फाइनली टेक द अरिथमेटिक मीन ऑफ दोज ऑब्जर्वेशन टू कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू. नेक्स्ट आता है ग्रोज एरर, जिसे हम लोग विच इज़ ड्यू टू द शेयर केयरलेसनेस ऑफ द ऑब्जर्वर. ये ऑब्जर्वर की ही केयरलेसनेस की वजह से होता है. ठीक, अब हम हमारे जोन से हमारे पास कुछ और एरर हैं. ठीक है, रैंडम एरर के बीच में जो आता है एब्सोल्यूट एरर. दिस एरर अराइजेज ड्यू द डिफरेंट इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द ट्रू वैल्यू एंड इज इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी. अच्छा, किसी भी क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होगा, है ना, तो वो एब्सोल्यूट एरर में आएगा हमारा. जैसे कि आपकी एक क्वांटिटी है जिसे आपने मेजर किया 10 बार, एन टाइम मेजर किया, तो उस हर बार की जो क्वांटिटी आई वो क्या आई, A1, A2, A3 टिल AN. ठीक, तो इन सभी वैल्यूज़ का अगर मैं मीन ले लेती हूँ, तो वो मीन AN जो आई है मेरी वैल्यू, ये मेरी क्या बताती है, मेरी ट्रू वैल्यू बताती है. क्योंकि इतनी बार आपने एक ही चीज़ को, एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर लिया, एक ही रीडिंग्स को इतनी बार ले लिया, तो आपके जो फिर उनका मीन लिया, तो उसके बाद ये आपको ट्रू वैल्यू ही देती है, क्योंकि उसमें एरर के जो चांसेस हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं, बिल्कुल अप्रॉक्स ख़त्म हो जाते हैं. और आपका जो एब्सोल्यूट एरर क्या कहता है, इट इज़ एक्चुअली अ डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर वैल्यू. ये तो आपकी ट्रू वैल्यू होगी जो मीन था आपका, इट इज़ AM. और इन डिफरेंस किससे करना है, इसका जो इंडिविजुअल मेजर्ड क्वान्टिटीज़ थी उनको बारी बारी हम इसमें से डिफरेंस करते चले जाएंगे मीन में से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एब्सोल्यूट एरर्स आ जाएगा. तो ये डेल्टा A1 क्या है, इट इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन A1 विच इज़ गिवन बाय द डिफरेंस ऑफ मीन एंड दैट वैल्यू A1. ठीक, डेल्टा A2 इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन A2 विच इज़ गिवन अगेन गिवन बाय द डिफरेंस इन द अरिथमेटिक मीन एंड A2, दैट इज सेकेंड क्वान्टिटी, एंड सो ऑन अप टू AN. आप ऐसे इसी तरह चल सकते हैं, और जो आप कॉरेस्पॉन्डिंग डेल्टा A2, A3, डेल्टा A4 टिल डेल्टा AN आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये आपके क्या होंगे, एब्सोल्यूट एरर होंगे. फर्दर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर, इट इज़ एक्चुअली द अरिथमेटिक मीन ऑफ द क्वान्टिटी ऑफ एब्सोल्यूट एरर. अब तक जितने भी आपने एब्सोल्यूट एरर निकाले हैं ना, डेल्टा A1, डेल्टा A2 कैसे निकाले थे, मतलब कि डिफरेंस करके ट्रू वैल्यू का और ऑब्जर्व वैल्यू का, तो उनका फर्दर जब आप दोबारा मीन लोगे तो वो आपको क्या देंगे, वो आपको देंगे मीन एब्सोल्यूट एरर. थर्ड जोन सा आपका आता है रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर. इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसे कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, रेशो की फॉर्म में होता है. किस किस की रेशो होगी, मीन एब्सोल्यूट एरर की और मीन वैल्यू की. मीन एब्सोल्यूट एरर आपने ये निकाला है डेल्टा A, और मीन कितना जो आपने स्टार्टिंग में निकाली थी, जिसको ट्रू वैल्यू भी बोला था, वो कितना था, AM. ठीक, तो ये जो उनसे है ना, आपको न्यूमेरिकल में डायरेक्टली पूछ लेता होता है ये सभी की कैलकुलेट, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर या रिलेटिव एरर. तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि मीन कैसे निकालेंगे, ट्रू वैल्यू क्या होती है, एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट क्या होता है. तो ये इससे बड़े फ्रिक्वेंट क्वेश्चन आ जाते होते हैं, विच इज़ वेरी सिंपल एज वेल. अब बात करते हैं हम लोग प्रोपगेशन ऑफ एरर की. अगर किसी सम में हमें एरर निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे. ठीक, मुझे एक इक्वेशन दी गई है, x इज इक्वल्स टू A+B. अगर मैं डेल्टा A क्या ले लेती हूँ, एब्सोल्यूट एरर ले लेती हूँ इन द मेजरमेंट ऑफ A, एंड डेल्टा B बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ B. सिमिलरली डेल्टा x इज द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ x. तो उस केस में मैंने कैसे रिप्रेजेंट करूँगी, x प्लस माइनस डेल्टा x, A प्लस माइनस डेल्टा A, एंड प्लस B प्लस माइनस डेल्टा B. इन्हें जब मैं कैलकुलेट करूँगी तो फाइनली मेरे पास ये वैल्यू आएगी. ठीक, तो
तो इस डेल्टा एक्स की चार पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती हैं? दोनों प्लस हो जाएं, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और क्या हो सकता है? प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, क्या क्या हो सकता है? माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, और दोनों ही नेगेटिव हो जाएं, माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इसे मैं कॉम्पैक्ट कर फॉर्म में कुछ इस तरह लिख सकती हूँ। तो जब भी हमें एरर निकालना होगा सम के अंदर, तो वो इस तरह निकलेगा। दिस इज़ द फॉर्मूला। दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग फर्दर प्रॉब्लम्स इन न्यूमेरिकल वे। ठीक, इसी तरह अगर आपने वो करना है, डिफरेंस की बात करते हैं, डिफरेंस में भी यही सेम फॉर्मूला आपका यूज़ होता है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन के अंदर आपने अगर एरर निकालना है, अगर आपको इस तरह की क्वांटिटी दी गई है एक्स इज इक्वल्स टू ए इंटू बी, ठीक, तो उसके लिए ये वाला मेथड आप यूज़ करोगे, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, डिवीजन या क्वेश्चन में भी सेम इसी तरह। अगर आपको एक्स क्या दिया गया है, ए अपॉन बी की फॉर्म में दिया गया है, ठीक, कोई भी क्वांटिटी, तो उसमें एरर कैलकुलेट आप किस तरह करोगे? इस मेथड से करोगे। तो ये जो फॉर्मूले हैं डिफरेंस का, एडिशन का, या मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन का, वो आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, उनके बीच में जो एरर है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, अब बात आती है नेक्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स की, हम लोग बात करते हैं रूल फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, अब इनके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। रूल फर्स्ट कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास कोई भी नंबर दिया गया है, उसमें सभी जो डिजिट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, तो आपके पास जितने नॉन जीरो वैल्यूज़ या डिजिट्स होंगे, उतने ही आपके फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। जैसे इसमें चार हैं, तो 1 2 3 4, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए? फोर। यहाँ तीन है, तो आपके कितने फिगर हुए सिग्निफिकेंट? तीन। रूल टू कहता है कि ऑल द जीरो इन बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, नो मैटर वेदर द डेसिमल इज पॉइंट और नॉट। ठीक, एक्स क्या है? अब ये दो नॉन जीरो के बीच में जितनी भी जीरोज आ रही हैं, वो आप इंक्लूड करेंगे, सिग्निफिकेंट है वो, तो इन सबको आपने काउंट करना है, तो कितने बनेंगे? फाइव। सिमिलरली अगर यहाँ पॉइंट भी आ जाए, लेकिन जो जीरोज़ हैं उन्हें हम निगलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास कितने हो जाएंगे? अगेन फाइव हो जाएंगे। अब बात आती है कि थर्ड रूल की, अगर आपका जो नंबर है वो लेस देन वन है, तो उस केस में जो जितनी भी जीरोज़ हैं विच आर ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल और ऑन द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉन सिग्निफिकेंट। डेसिमल के राइट लेफ्ट में और जो सॉरी राइट में और जो लेफ्ट ऑफ द क्या होता है इस नॉन जीरो डिजिट्स के, वो सभी क्या होंगी? नॉन सिग्निफिकेंट होंगी, यानी उन्हें नहीं लेंगे हम, बाकी जो आपका डिजिट बनता है उसको हम लोग पूरा सिग्निफिकेंट मानेंगे। इसी तरह इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट। अगर आपका कोई नंबर है ना, उसमें जो टर्मिनल जीरो होती है आपकी, लास्ट की जीरो होती है, उसको हम लोग इनसिग्निफिकेंट मानते हैं, उन्हें उसे नहीं कंसिडर किया जाता। नेक्स्ट क्या कहता है? हाउ एवर इन अ नंबर विद डेसिमल पॉइंट द ट्रेलिंग जीरो इज सिग्निफिकेंट। अब इसमें उल्टा है कि अगर आपके कोई भी ऐसा नंबर है जिसमें डेसिमल लगा हुआ है, उसमें आगे की जीरोज तो इंक्लूड नहीं होती, वो तो सिग्निफिकेंट नहीं होती, लेकिन अगर जो कि पीछे की जीरोज हैं, ट्रेलिंग जीरोज हैं, उसे हम लोग इंक्लूड करते हैं और क्या मानते हैं उन्हें? सिग्निफिकेंट। सो नेक्स्ट, चेंज ऑफ यूनिट डजंट चेंज द सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आप कोई भी क्वांटिटी आपने सेंटीमीटर में ली, ठीक है, उसी को फिर आपने मीटर में ले लिया, फिर मिलीमीटर में ले लिया, डजंट मैटर आपने किसी भी यूनिट में उसको चेंज किया, लेकिन जो उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो सेम रहेंगे बेस्ड ऑन द रूल्स विच वी हैव रेड टिल नाउ। और नेक्स्ट है आपका, द डिजिट जीरो कन्वेंशनली पुट ऑन द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट। डेसिमल के लेफ्ट में जो जीरो होती है वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होती, दैट इज टोटली इनसिग्निफिकेंट। अब हमारे कुछ रूल्स आते हैं, ये सभी कैलकुलेशन और मेजरमेंट के लिए हम लोग चीज़ें पढ़ रहे हैं, अप्लाई इसे बाद में न्यूमेरिकल्स में करेंगे हम लोग। अब आती है राउंडिंग ऑफ, किसी भी नंबर को कैसे राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट रूल है कि अगर कोई भी डिजिट आपने ड्रॉप करना विच इज़ लेस देन फाइव, तो देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज। जैसे ये डिजिट था आपका, तो सेवन एट के बाद क्या था? टू था, विच इज़ लेस देन फाइव, तो इसे हम इजिली राउंड ऑफ कर सकते हैं और आपका जो पहले वाला नंबर है वो अनचेंज रहेगा, दैट इज 7.8। सिमिलरली फॉर 3.94 इट कैन बी राउंड ऑफ टू 3.9 बिकॉज द डिजिट फोर इज लेस देन फाइव। लेकिन अगर आपके पास मोर देन फाइव हो लास्ट का जो डिजिट आपने राउंड ऑफ करना है, तो क्या होगा? जो प्रोसीडिंग डिजिट होगा वो रेज्ड बाय वन होगा, दैट इज 6.87 को हम कैसे राउंड करेंगे? राउंड ऑफ करेंगे 6.9।
और 12.78 को कैसे राउंड ऑफ करेंगे 12.8। थर्ड रूल क्या कहता है, इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय द डिजिट अदर देन 0 देन प्रोसीडिंग डिजिट इज रेस्ड बाय 1। अगर आपका जो भी आपने नंबर ड्रॉप करना है वो क्या है 5 है फॉलोड बाय सम नंबर अदर देन 0, तो उस केस में जो एक्स है वो क्या होगा 16.4 होगा। और फोर्थ रूल क्या कहता है, इफ डिजिट ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय 0 देन उसमें एक्स क्या होगा 3.250, तो इसे हम कैसे राउंड ऑफ करेंगे 3.2। इट विल रिमेन, जो 2 है वो अनचेंज रहेगा क्योंकि आपका जो 2 है बिफोर 5 वो क्या है इवन है, लेकिन अगर आपका जो नंबर है बिफोर 5 ठीक है वो क्या है ओड है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे जो 5 से पहले वाला नंबर है उसको रेज बाय 1 करेंगे इफ इट इज ओड। सो दिस वॉज द रूल्स फॉर द राउंडिंग ऑफ। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन दैट वी हैव रेड टिल नाउ। तो इन फॉर्मूलेस के बेस पर आप लोगों को आगे क्या होता है न्यूमेरिकल पोर्शंस या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होती है जो मैं एक वीडियो में आपको कवर कर दूंगी। सो टिल नाउ अभी आप एक बार इस चीज़ को रिवाइज करें एंड होपफुली यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।